राज्य में ही नहीं पूरे देश में विज्ञापन करने वाले पेंटर हैं। डिजिटल का युग आने से पेंटर बेकार हुए हैं। बीते 10 सालों से पेंटरों की हालत खराब हुई है। अब तो कोरोना काल में कंपनियों के विज्ञापन भी बंद हुए हैं। जो रह रहे हैं वह पुराने ही दाम से होने से पेंटरों को घर खर्च करना मुश्किल हो रहा है। महंगाई को देखते हुए पेंटिंग के दाम बढ़ाने की मांग कई बार पेंटर संगठनों ने उठाई है, लेकिन विज्ञापन एजेंसियों दाम बढ़ाकर देने को तैयार नहीं है। अब राज्य में महाराष्ट्र पेंटर संगठन की स्थापना की गई, जिसकी शाखा नागपुर में स्थापित करने की जानकारी पेंटर अमर तांबे श्याम मेश्राम ने दी। बताया कि पेंटरों की समस्या आज भी बरकरार है। सरकार से भी पेंटरों को कोई मान्यता नहीं है, ना ही व्यवसाय के लिए कोई लोन मिलता है। पेंटरों को सरकार की योजना में समावेशन करने की मांग भी की गई। सरकार की ओर से विज्ञापन हर साल किया जाता है, करोड़ों रुपए जन जागृति पर खर्च किए जाते हैं। गांव से लेकर शहर में जन जागृति के लिए दीवार पेंटिंग ही एक अच्छा व सस्ता माध्यम है, लेकिन सरकार यह काम विज्ञापन एजेंसियों के जरिए करते हैं। अब सरकार यह काम सीधे पेंटर संघ के माध्यम से करने की मांग करेंगे। कुछ ही दिनों में लॉकडाउन से राज्य मुक्त होते ही पेंटर संघ के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलेंगे। संघ के प्रमुख प्रमोद आम्बोरे परभनी ने राज्य के पेंटरों के एक साथ जोड़ने का संकल्प उठाया। यह जानकारी अमर तांबे नागपुर ने दी। BCN न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।